नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के मेरठ में लॉकडाउन के दौरान दो तेज रफ्तार कार आपस में भिड़ गई। दुख की बात यह है कि कार में सवार दंपति अपने बच्चों को लेकर अस्पताल जा रहे थे, लेकिन हादसे के कारण अस्पताल जाने में देरी हो गई और बच्चे की रास्ते में मौत हो गई। वहीं पीड़ित दंपति पुलिस के एक दरोगा पर टक्कर मारने और उसके बाद गुंडई करने का आरोप लगाते नजर आए। दरअसल मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र अंतर्गत तेजगढ़ी चौराहे पर एक दिन के बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने ले जा रहे दंपति की कार दरोगा की कार में टकरा गई। हादसे के बाद थोड़ा विवाद हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि हापुड़ पुलिस में तैनात राजीव नाम के एक दरोगा ने उनके साथ बदसलूकी की और फरार हो गया। हालांकि अस्पताल जाने की जल्दी के कारण वह मौके से निकल लिए, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। बच्चों के परिजनों ने वापस चौराहे पर आकर दरोगा को ढूंढने का प्रयास भी किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मामले को रफा दफा कर दिया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी उन पर ही उल्टा आरोप लगा रहे हैं। पेश है मेरठ से वीरपाल की खास रिपोर्ट। ये हुआ, हम आए मसूरी से बच्चे को लेकर, हम तो कर जा रहेंगे को। अच्छा, बहुत काफी दूर आकर यूं टक्कर मारी गाड़ी वाले ने, हम उसके चक्कर में हम अपने बच्चे को लेकर लेट हो गए। हम अस्पताल तक पहुंचे बिना हमारा बच्चा खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली हो? मसूरी के। क्या जी, अच्छा था गाड़ी मार दी हमारे पास में, बच्चा था हमारी गाड़ी है, ये भी नहीं हुआ कि इसको तो हॉस्पिटल छोड़ दिया जाकर। अब बोलता है तुम अपना काम करा लेना, हम अपना काम करा लेना। और मैं सीबीआई ब्रांच की हूँ, सॉरी सीबीआई को तुम्हें क्राइम ब्रांच, क्राइम ब्रांच में हूँ मैं। ये मेरी आईडी है, ये मेरा नाम। भैया भेजते हैं आपको, आप गाड़ी हटवा के। क्या वो भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में फिर भी हमें ही गलत ठहराया जा रहा हर जगह से। हमारा बच्चा एक्सपायर हो गया, पुलिस सारी प्रशासन सब हमें ही गलत ठहरा रहा है। टक्कर किस चीज से हुई, किसने मारी टक्कर? एक क्राइम ब्रांच में नीरज का नाम राजीव, राजीव है, उसने टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद में उसने अपनी पिस्टल देखो गाड़ी में से उठाई, उठाकर लगा ली मेरे सामने, उठाकर अपना पीछे लगाई। ठीक है, सरकारी आदमी है, अपनी सेफ्टी पहले करेगा, लेकिन उठाने के बाद में उसने गाड़ी वहां लगा ली। लगाने के बाद में बच्चा एक्सीडेंट हुआ, मैं तो बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद में उसने गाड़ी वहां लगाई, तो इसे मैं गाड़ी में छोड़ गया इकले को। तो इसको जब वो जा रहा था, इसने रोकने की कोशिश करी, वो कह रुक जाओ जी, वो आ जाएंगे तब जाना। इसको पिस्टल दिखा के बोला या तो हट जा निशाले, मैं गोली मार दूंगा, पुलिस वाला हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मैं नाम नदीम है। कहाँ के रहने वाले हो? मसूरी के। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हॉस्पिटल आए थे हम, अजय हॉस्पिटल में। बच्चा कितना बड़ा? बच्चा कल शाम हुआ था और हम उसे नर्सरी में एडमिट कराने लेकर आए थे। यहाँ हमारी थोड़ी जान पहचान है, जहाँ आदमी के दो पैसे बचते हैं वहीं चलता है। तो उसी चक्कर में हम यहाँ आके वो टक्कर मारी और इन्होंने सबने कह दिया कि तुम जाओ जी। उसने आईडी प्रूफ दे दिया मुझे, सब कुछ दिया, लेकिन वो मुझसे बाद में चला गया।